नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया नवाब मलिक ने आरोप। कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, भंडारा जिले में कांग्रेस के सम्मेलन में नाना पटोले ने भरा कांग्रेसियों में जोश। और नागपुर चिटनेस पार्क पर हुआ रावण दहन, धार्मिक कार्यक्रमों में पाबंदियों पर उठे सवाल। और अब खबरें विस्तार से। किसानों का आंदोलन बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने लगाया है। ज्ञात हो कि कल सिंधु बॉर्डर पर शुरू किसानों के आंदोलन में एक बैरिकेड पर एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए है, जिसको भाजपा की साजिश बताकर नवाब मलिक ने इसे किसान विरोधी षड्यंत्र बताया है। आंदोलन की जगह पर बैरिकेड से लटकी हुई एक लाश मिली, जिसका हाथ कटा हुआ है। हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। घटना सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो गए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार बीजेपी का प्रयास हो रहा था, कभी खालिस्तानी आंदोलन, कभी विदेशी हाथ की बात, कभी नक्सलियों का आंदोलन, धर्म से जोड़ा गया इसे, और आज जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे चीज़ें हुई, बीजेपी के आईटी सेल सक्रिय हो गए, एक शंका पैदा हो रही है कहीं आंदोलन बदनाम करने की दिशा में और एक प्रयास हो रहा है कि नहीं। हम चाहते हैं कि इसकी सच्चाई लोगों के सामने आए। इस तरह की हरकतें करके अगर कोई साजिश करता होगा तो इससे गंभीर विषय हो नहीं सकता। देश में अगर कांग्रेस जीत जाए तो देश बचेगा, इस भावनाओं के साथ हर कांग्रेसियों ने लोगों तक जाना चाहिए, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, जो भंडारा के पौरी में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। महात्मा गांधी लोकांत पाहिले नाही, कोण लोक असतील, फाटले कपडे घातले, आभार कपडे नाही, आणि महात्मा गांधींच्या वेळेस तर कोर सुटून धरून आलेले होते विदेशात। आफ्रिकेचं स्वातंत्र्याची लढाईच्या काळात महात्मा गांधी लढत होतो, पण त्यांनी जेव्हा भेटीतून पाहिले की लोक फाटले कपडे घातले, लोकांचे आभार कपडे नाही, त्यांनी उकडत बसले, त्याच वेळेस त्यांनी मज्जा मागवला, आपला सुटून बाजूला सारला, आणि या देशाच्या लोकांना जिथपर्यंत आगावर कपडे येणार नाही तिथपर्यंत मी याच पक्षावर राहणार, ही भूमिका त्या काळात महात्मा गांधींनी घेतली। त्या गुजरातमधल्या जन्माला आलेल्या महात्मा गांधींनी ही मानसिकता घेतली, आणि आज ज्या संविधानाला काँग्रेसनी गेल्या 60 वर्ष सांभाळून ठेवलं, त्या काँग्रेसच्या संविधानाने सांभाळून ठेवलेल्या संविधानामुळे चहा विकणारा आपण देशाचा प्रधानमंत्री झाला। आज दिवसातून तीनदा आपला स्वरूप बदलतो, आणि लोक उघड्यावर झाले, कपड्याविना लोक राहायला लागले, अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झाली। आणि म्हणून अशा या परिस्थितीमध्ये आपल्याला आता जी स्वातंत्र्याची लढाई त्या काळात लढली जात होती, तीच लढाई आपल्याला आता लढावी लागणार आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की मधल्या काळामध्ये हे जे सगळे भाजपी सुटलेले पिल्लू, जे काही विविध पक्ष होते, ज्या पक्षात आपण गेला, त्याच्यामध्ये मताचं विभाजन कसं करता येईल, सेक्युलर मतांचं विभाजन कसं करता येईल, आणि काँग्रेसला कमजोर करून काँग्रेसला दळित या देशाच्या संविधानाला कसं कमजोर करता येईल, हा प्रयत्न त्यांनी केला, आणि त्याच्यात ते यशस्वी झाले। 7 वर्षामध्ये काय आपल्याला आता 8वं वर्ष त्याचं सुरू झालं, या 8 वर्षात आपल्या देशाला काय मिळालं असेल, तर या देशातल्या लोकांना फक्त आश्वासन मिळाले, आणि जो देश काँग्रेसने मोठा करून ठेवलेला होता, ती प्रॉपर्टी विकून आता देश चालवायची व्यवस्था सुरुवात झाली,
मी तुम्हाला सांगतो की आज आम्ही सगळे लोकांनी एक निर्णय घेतला पाहिजे. आजच्या दिवशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्म परिवर्तन घेतला आणि एक निर्णय घेतला आणि त्याच्यामुळे बौद्धाचं शिक्षण, अहिंसेचा धर्म, समतेचा संदेश त्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेबांनी आंबेडकरांनी आजच्या दिवशी दिला. म्हणून आजच्या दिवशी आपण या देश वाचवण्याची संकल्पना, देशाचं संविधान वाचवण्याचं संकल्पना घेऊन आपल्याला या ठिकाणातून जायचं. कोण काँग्रेसचा उमेदवार उभा राहील आणि काय होणार तिथं तो भाग नंतरच आहे. पण आता काँग्रेस जिंकेल तर देश वाचेल या पद्धतीची भूमिका आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवायची. नागपुर के चिटनेस पार्क मैदान पर शुक्रवार को रावण दहन समिति और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी और विधायक गिरीश व्यास ने धार्मिक आयोजन पर पाबंदी पर कहीं न कहीं सवाल खड़े किए. ज्ञात हो कि रावण दहन कार्यक्रम पर नागपुर में प्रशासन द्वारा पाबंदियां लगाई गई. इसी बात के मद्देनजर कोरोना नियम को देखते हुए इस बार रावण दहन के कार्यक्रम भव्य रूप से करने के लिए स्थगिति दी गई. नागपुर के चिटनेस पार्क में रावण दहन समिति और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोरोना नियमों का पालन करते हुए रावण दहन कार्यक्रम को आयोजित किया गया था. वही कहीं अनुमति तो कहीं पाबंदी, इस बात पर सवाल उठाते हुए आयोजकों ने सवाल उठाए. मला चांगला वाटत नाही कारण मी संवैधानिक पदावर आहे, पण सगळ्यांसाठी एकच नियम असायला पाहिजे. राजकारणासाठी वेगळा नियम आणि धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमासाठी वेगळा नियम हे योग्य नाही आहे. अशा गोष्टींमुळेच राजकारणाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज पसरते आणि हे गैरसमज पसरण्यासाठी जे बारूद आहे ते उपलब्ध करून देण्याचं काम राजकारणच करत आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना विजयादशमीची हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आज रावण दहन इथे पार पडला. रावण दहन म्हणजे अनीती पर नीती की नीतीची विजय, अधर्मावर धर्माची विजय. हा प्रकारे रावण दहन विजयादशमी पर्वावर आम्ही नेहमी करत असतो. एक हिंदीत एक कवी चांगली कविता लिहून गेलेला आहे की किस रावण की काटूब आहे और किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं. ऐसे विचित्र वातावरण में इस परंपरा को जिंदा रख करके कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी राह गलत है तो समाज उसे बख्शेगा नहीं, उसका अंत रावण जैसा ही होगा. यह संदेश देने वाला यह पर्व है. इस पर्व को उसी उत्साह के साथ जनता की उपस्थिति में मनाने का अगर शासन ने निर्णय दिया होता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो शायद मुझे लगता है इसका और अच्छे तरीके से हम संदेश दे पाते थे. फिर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस विजयादशमी पर्व की. खरे अर्थाने 7 तारखेपासून सर्व मंदिरांचे दरवाजे उघडण्यात आले आणि देवापासून एक अपेक्षा होती की यावर्षी किमान परंपरागत रावण उत्सव, रावण दहन कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. परंतु पुन्हा प्रशासन आडवा आलं आहे. प्रशासनाचं ज्या पद्धतीने नियंत्रण पाहिजे ते नियंत्रण नाही. एका बाजूनी सर्व सूट आहे, हॉटेल्स चालू आहेत, सगळे मार्केट्स चालू आहेत, मार्केटमध्ये गर्दी आहे, लहान मुलांपासून सगळ्यांची गर्दी आहे, तिथे तपास काहीच नाही, तिथे नियंत्रण काहीच नाही. पण असा काही सण असेल, मंदिरांमध्ये दर्शनाला असेल ते नियम, असा एखादा कार्यक्रम असेल रावण दहनासारखा तर त्याच्यावर नियम, हे सरकारचं काही आहे ते कळत नाही. पण भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रावण दहनाचा कार्यक्रम करण्यात आला. अनैतीवर नीतीचा विजय, अधर्मावर धर्माचा विजय आणि आता या पद्धतीनं समाजामध्ये एक संदेश जाईल की जो त्याप्रमाणे कृत्य करेल, समाज विघातक कृत्य करेल, त्याच्यावर निश्चित रूपानं अशाच पद्धतीच्या सगळ्या घटना राहतील. हा एक संदेश या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आहे आणि तो कार्यक्रम आज आम्ही इथे सगळे कोरोनाचे नियम पाळत, संख्या कमी उपस्थित ठेवून पोलिसांच्या याच्यामध्ये आम्ही तो आज पार पाडला आहे. बाहेर हजारो लोक उभे आहेत, आत्मदेण्याची वाट बघत आहेत, पण त्यांना आतमध्ये येऊ दिलं नाही. स्टेडियममध्ये बसण्याची जागा आहे पण ती पोलिसांनी करू दिली नाही. सरकारचा हा दोन प्रकारचा नियम हा काही समजत नाही, हा असमंजस मध्ये आम्हाला ठेवतो. भंडारा तुमसर महामार्ग
पर रेलवे फाटक कारण होने वाली यातायात को परेशानियों को देखते हुए आए दिन जहां जाम जैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है, जिसके कारण नागरिक परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को रेलवे फाटक के कारण करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। ज्ञात हो कि तुमसर महामार्ग पर इन दिनों वार्ठी में बाईपास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो पिछले 3 सप्ताह से चलने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके कारण भंडारा तुमसर महामार्ग पर यातायात बड़ी संख्या में बाधित हो रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, ओवरब्रिज के कार्य के कारण भंडारा तुमसर महामार्ग का ट्रैफिक पुराने मार्ग से डाइवर्ट किया गया है, जहां के रेलवे फाटक के कारण बड़ी मात्रा में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जबकि दुर्घटनाओं का सिलसिला बढ़ गया है। मागिल 1.5 तासापासून ही जी ट्रॉफिक आपण बघत आहोत की एका ट्रकने गेट तोडल्यामुळे रेल्वे गेट तोडल्यामुळे ती वाहतूक ठप्प झाली आहे आणि त्यामुळे रोजचा त्रास हा आमच्या गावातून जाणारा रस्ता जो आहे त्यातून लोकांना होत आहे आणि यात दखल म्हणजे अशी घेतल्या पाहिजे ट्रॅफिक पोलीसवाल्यांनी की जे 2 रस्ते जे आहेत, एक डाब्यावरून जो रस्ता आहे आणि एक सिरसीवरून जो सोनोलीकडे जाणारा जो रस्ता आहे तो वाया पांजऱ्यावरून होते हुए बोतली असा मार्गाने तुमसर मोहाडी असा रस्त्यावर ते डावट करू शकतात। योग्य ते मार्गदर्शन देऊन किंवा बॅनर्स वगैरे लावून वाहतूक डायव्हर्ट कशी होईल याच्यावर त्यांनी योग्य काळजी घ्यावी आणि हा रोजचा होणारा त्रास हा कमी करावा अशी मी वाहतूक अधिकाऱ्यांना विनंती करतो। 2 आठवड्यापासून रेल्वे पुलाचं काम सुरू आहे आणि वाहतूक सुरू आहे आणि आज दिनांक 14 ऑक्टोबर रोजी दुपारी एका ट्रकने रेल्वे गेटला धडक दिल्यामुळं रेल्वे गेट बंद पडली, त्यामुळं आज 1.5 तासापासून ट्रॉफिक जाम असल्याकारणामुळं सामान्य नागरिकाला त्रास सहन करावा लागत आहे। तर वाहतूक विभागाने याच्याकडे लक्ष द्यावे आणि वाहतूक सुरळीत करावे। इन दिनों सिटी की सड़कों पर रेती से भरे टिप्परों की संख्या बढ़ गई है। रात के वक्त टिप्परों की सक्रियता से दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। हुड़केश्वर परिसर में रात के वक्त टिप्पर चालक पुलिस की नजर से बचने के लिए गली मोहल्ले की सड़कों से निकल रहे हैं। इससे एक और जहां सड़कें खराब हो रही है, वही दूसरी ओर दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। हुड़केश्वर नरसाला क्षेत्र में रेती के टिप्परों की आवाजाही बढ़ गई है। कन्हान और आसपास के नदी घाटों से रेती लाई जाती है। अवैध रूप से परिवहन किए जाने की वजह से ही रात के वक्त टिप्परों की कतार निकलती है। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन रोड से होते हुए पीपला ग्राम पंचायत के पिछले वाली सड़क से ये टिप्पर निकलते हैं। रात के वक्त होने वाले शोर से नागरिक भी परेशान हो गए हैं। वहीं गली मोहल्ले की संकरी सड़कों से गुजरने के कारण घरों के सामने रखे वाहन और दीवारों को भी खतरा निर्माण हो गया है। भंडारा रोड और जबलपुर रोड की ओर से आने वाले टिप्पर विहीर गाँव के पास से रोंग साइड निकलते हैं। ये हुड़केश्वर रोड से होते हुए शहर के भीतर प्रवेश करते हैं। रोंग साइड होने के कारण 4 लेन पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इन टिप्पर चालकों के ज्यादती पर रोक नहीं लगाई जा रही है। सुबह 5 बजे से ही हुड़केश्वर रोड पर वाहन दौड़ने लगते हैं। मॉर्निंग वॉक को जाने वाले भी इन टिप्परों की वजह से दहशत में हैं। नागरिकों का कहना है कि जब भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने का निश्चित समय तय किया गया है तो फिर मनमानी क्यों की जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा ध्यान दिए जाने की मांग की गई है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अज्ञाराम देवी चौक से लेकर एसटी स्टैंड तक पुलिस ने निजी बस संचालकों पर तो लगाम कस दी। यही कारण है कि अब यह रास्ता खुला खुला नजर आता है। परिसर में एक भी बस खड़ी नहीं होती, लेकिन अब 3-सीटर ऑटो चालकों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। बेलगाम ऑटो चालक जहां मन चाहे वहां अपना वाहन खड़ा कर देते हैं। इन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। सवारी बैठाने के लिए बीच रास्ते पर वाहन रोक देते हैं। इससे एसटी बसों की आवाजाही में काफी दिक्कत होती है और मार्ग पर यातायात व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। केवल एसटी स्टैंड ही नहीं, शहर के अन्य चौराहों पर भी अमूमन यही हाल दिखाई देता है। विशेष तौर पर झांसी रानी और वैरायटी चौक पर तो हालात ज्यादा खराब है। यहाँ दिन भर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में सवारी बैठाने के लिए ऑटो चालक रास्तों पर आ जाते हैं। सिग्नल बंद हो या चालू, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक के कांस्टेबल सीटी बजाते रह जाते हैं और ये ऑटो चालक रफू चक्कर हो जाते हैं। शताब्दी चौक के सिग्नल पर रिंग रोड पर चलने वाले ऑटो चालक को बीच चौराहे पर वाहन खड़े करके सवारियां बैठाते हैं। यही से कुछ ऑटो सीताबर्डी के लिए भी चलते हैं। इसमें प्राइवेट नंबर वाले वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है। पुलिस की नाक के नीचे ओवरसीट ऑटो सरपट दौड़ते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। महज दिखावे के लिए उन्हें महीने के 2 चालान दिए जाते हैं। इतनी छूट देने का कारण बताने की जरूरत नहीं है। अब तक तो रास्तों पर 3-सीटर ऑटो चालक शेर बनकर घूमते थे, लेकिन अब ई रिक्शा चालक सवा शेर हो गए हैं। ऑटो चालकों पर तो मजबूरन ट्रैफिक पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई करती रहती है, लेकिन ई रिक्शा चालकों को तो मानो वरदान मिला हो, इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। जिलाधिकारी विमला आर ने कहा कि विविध शासकीय महामंडल द्वारा संचालित कर्ज योजना, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग कर्ज योजना का लाभ संस्था व उद्योजक उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आशावादी उपक्रम एक गांव एक समन्वयक की तर्ज पर कर्ज योजनाओं के प्रभावी अमल के लिए बचत गटों की महिलाओं को व्यवसाय समन्वयक के रूप में करने के लिए बैंक विशेष प्राथमिकता दे। जिलाधिकारी विमला आर केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग जिला अग्रणी बैंक की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित कर्ज व उद्योजकों के लिए सुसंवाद मेला में बोल रही थी। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ योगेश कुंभेजकर, बैंक ऑफ इंडिया के विभागीय व्यवस्थापक संतोष एस, जिला अग्रणी व्यवस्थापक पंकज देशमुख उपस्थित थे। जिला अधिकारी ने विविध योजनाओं के संदर्भ में मार्गदर्शन किया। कुंभेजकर ने कहा कि बैंक ग्राहकों की अपेक्षा सेवा व उत्पादन के क्षेत्र में नए आइडिया को अमल करे व ऐसे घटक को कर्ज देने में प्राथमिकता दे। बैंक ऑफ इंडिया के संतोष एस ने कहा कि बैंक उद्योजकों को कर्ज देने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, जिससे उद्योजकों के साथ ही बैंक की भी प्रगति में मदद होगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी छोटे मध्यम उद्योजक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए। नरखेड़ के लोगों को कम पैसों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसीलिए यहां पर सरकारी अस्पताल बनाया गया। इस इमारत ने 40 से 45 साल का समय निकाल लिया, लेकिन इस दौरान इसकी केवल 5 से 6 बार ही मरम्मत की गई। अब आलम यह है कि इस इमारत में जितने कमरे, उनमें हर जगह से बारिश का पानी टपकता है, जिससे वहां रखे उपयोगी साधन और मशीनें खराब हो रहे हैं, जो बाद में किसी काम के नहीं रहेंगे और वे सब भंगार में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ आने वाले मरीजों को अक्सर जान का खतरा बना रहता है। कुल मिलाकर अब यह अस्पताल की इमारत हर जगह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। नरखेड़ के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है, लेकिन उन इमारतों की भी काफी दयनीय अवस्था हो चली है। अब वह रहने लायक भी नहीं है। इससे वहां रहने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजन कुछ लोगों को तो किराए के घरों में रहना पड़ रहा है और सरकार से घर भाड़ा भत्ता भी नहीं मिलता। नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। नागपुर से नरखेड़ का अंतर लगभग 100 किलोमीटर है। सरकारी अस्पताल की प्रशस्त इमारत नहीं होने के कारण यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। यहाँ से नागपुर पहुँचने के लिए अंदाजन 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, जिससे सीरियस पेशेंट की जान बचने की उम्मीद नहीं के बराबर होती है
और ऐसा हुआ भी है। इसीलिए नरखेड़ में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल की इमारत की अत्यंत आवश्यकता है। सरकारी अस्पताल को इमारत की जरूरत है, सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि इसमें जितने भी उपकरणों की जरूरत है उनकी जरूरत है, और अस्पताल में जरूरी सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि मरीजों को इन सभी उपकरणों का लाभ मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी जरूरत है। इसीलिए प्रशासन ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। कामठी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों के खेतों में धान, कपास, तुअर की लहलहाती फसल पकने और कटने की कगार पर आने के ठीक पहले महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किसानों द्वारा बकाया बिजली बिल नहीं भरने को लेकर बिजली कनेक्शन काटने का अभियान चलाया है, जिससे किसानों को कुछ दिनों में हाथ में आने वाली फसल सूखने की हालत में आ जाएगी। ऐसे में फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए विद्युत कनेक्शन तुरंत शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तहसील के किसानों ने एमएसईबी कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस दौरान क्षेत्र के विधायक टेकचंद सावरकर ने बताया कि एक तो कोरोना की वजह से देश के किसानों की आर्थिक परिस्थिति काफी खराब चल रही है, दूसरी ओर अतिवृष्टि से किसानों के खेत की सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। धान और कपास पर अनेक बीमारियों का प्रकोप भी वर्तमान में चल रहा है, जिससे किसानों की कमर टूट सी गई है, और ऐसे संकट की घड़ी में सरकार ने किसानों का साथ देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार किसानों का साथ देने की बजाय उनके खेत में खड़ी फसल को बिजली कनेक्शन बंद करके उसे नष्ट करना चाहती है, जो मानवता की दृष्टि से ठीक नहीं है। ऐसी निर्दयी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होने की बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। इस समस्या को ध्यान में रखकर किसानों के खेत के काटे गए या बंद किए गए बिजली कनेक्शन जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में इससे बड़ा जन आंदोलन करने की चेतावनी आंदोलनकारियों ने यहां दी। कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सावरकर के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, नागपुर जिला परिषद के पूर्व गट नेता अनिल निधान, नगर पंचायत मौदा अध्यक्ष भारती राजू सोमना थे, मौदा तहसील युवक भाजपा अध्यक्ष शरद भोयर सहित भाजपा कार्यकर्ता व किसान उपस्थित थे। दशहरे को लेकर मार्केट के साथ शहर के विविध शोरूम्स जगमगा उठे। मार्केट में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, फर्नीचर्स के साथ इलेक्ट्रिकल आइटम्स के शोरूम द्वारा ऑफर्स की बौछार की गई। दशहरा के शुभ मुहूर्त पर वाहनों की डिलीवरी के लिए शोरूम्स जहां तैयार थे, वहीं ग्राहक भी इस शुभ दिन अपने घर वाहन लाने को बेकरार थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ा बाजार में अच्छी खासी रौनक नजर आ रही है। इन सेक्टरों में ग्राहकी के चलते करोड़ों का कारोबार होने की जानकारी सामने आई है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद सबसे ज्यादा बूम ऑटो सेक्टर में नजर आ रहा है। दशहरे से पहले दशहरे पर बाजार में आई रौनक से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। व्यापारी अब पुष्य नक्षत्र और धनतेरस से बाजार से ग्राहकी की उम्मीद लगा रहे हैं। एक, दो और तीन BHK फ्लैट का पोजीशन लेने के लोग जिस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे वह दशहरे में खत्म हो गई। बिल्डर्स द्वारा पेश किए जा रहे ऑफर्स में ग्राहक अपने आशियाने के सपने को सच कर रहे हैं। कुछ योजनाओं पर GST की छूट के साथ 2 लाख तक के अतिरिक्त डिस्काउंट और सब्सिडी के तहत 2,67,000 का लाभ दिया गया। वही इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम्स में अलग अलग ऑफर्स में एक्सचेंज के साथ आकर्षक फाइनेंस स्कीम में ग्राहक किसी भी उत्पाद की खरीदी आसानी से कर सके। फ्रिज, LED, LCD, वॉशिंग मशीन के अलावा मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर कंपनियों ने नए फीचर्स और ऑफर्स के साथ उतारे हैं। इसमें किसी शोरूम्स में कैशबैक के साथ हर खरीदी पर आकर्षक उपहार दिए गए। बर्तन बाजार का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। स्टील, एल्यूमिनियम और पीतल के पूजन सेट, टंकिया, डिनर सेट, वायलर, थाली, ग्लास समेत तमाम बर्तनों की न्यू रेंज लाई गई थी। ऑटोमोबाइल मार्केट में बूम लाने के लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर आई थी। वही ज्वेलरी शोरूम्स में विविध तरह की छूट दी गई। तो VKB न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।